दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जहां पर सबसे पहले आपके सोशल वर्क से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जानकारी कि एनजीओ या कोचिंग या आने वाले टाइम में खुद की प्रॉपर्टी बनने के योग क्या चांसेस है, या फिर लोन आपका डेब्ट कब खत्म होने वाला रहेगा। तो जब जब लाइफ लाइन और खासकर धन रेखा के ऊपर इस प्रकार की राहु रेखा काट करके जाती है, उस उम्र से रिलेटेड बहुत ज़्यादा तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ता है। और खासकर देख पाएंगे तो आपके लाइफ लाइन पे इसका अफेक्ट ज़्यादा है, धन रेखा पे कम है। यही रीज़न है कि धन का जो एक प्रकार से आवक है, एक प्रकार से इनकम जो सोर्स है, वो आपका बना हुआ अच्छा है। धन से रिलेटेड कोई तकलीफ परेशानी ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ रही है, चाहे वो लोन का ही एक प्रकार से धन हो, लेकिन धन में किसी भी प्रकार की तकलीफ परेशानी नहीं है। जो भी परेशानी या तकलीफ दिख रहा है, वो आपके लाइफ लाइन पे ज़्यादा दिख रहा है। और जब लाइफ लाइन पे रेखाएं ज़्यादा कटती है या फिर इस प्रकार से लाइफ लाइन बिगड़ जाती है या बिखर जाती है, तो इस कारण से तनाव जीवन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जी बहुत जल्दी मचलने लगता है या स्वास्थ्य रिलेटेड तकलीफ परेशानी भी आते हुए देखने को मिलती है। लेकिन आपको ज़्यादा स्वास्थ्य से तकलीफ नहीं रहेगा, क्योंकि सपोर्टिव लाइन आपके हाथ में है। इसे देवदूत रेखा भी कहते हैं, जो ऊपर वाले की एक प्रकार से अदृश्य शक्तियों को और बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों से मिलने वाले एक प्रकार के अच्छे सहयोग को यहाँ पर व्यक्त करता है। तो आगे चल करके क्या आपका स्टेटस रहने वाला रहेगा, तो आपका जो लाइफ में मेनली जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है, वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ जो पहली लाइन राहु की जो सबसे मेनली कटी हुई है, वो जो एज है यहाँ पर, ये 31 है। 31 की उम्र के आसपास में ही बिग किसी न किसी वे में स्ट्रेस या स्ट्रगल आया है। 35-37 के बीच में, और ये जो लाइन है इनका ड्यूरेशन 2 से 3 साल का मिनिमम यहाँ पर शो हो रहा है। फिर उसके बाद 39 और 40 के बीच में। अभी जहाँ तक की बात की जाए तो यहाँ पर आपका जो ग्रोथ और सक्सेस लाइन निकला हुआ है, ये जो एज है ये है आपका 46-47 और अप्रोक्सीमेटली 48-49 के बीच में। ये जो एज रहने वाला है इस उम्र में 47 से 49 के बीच में, बहुत बेहतरीन आपको सक्सेस, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी और अचीवमेंट, ये सारी चीज़ें एक साथ मिलेगी। यानी जो भी आपके ड्रीम या डिज़ायर रहेंगे इस उम्र में आने के बाद कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर देखिए, जब ये फेड लाइन निकला है तो लाइफ लाइन अभी भी बिखर के ही चल रहा है, लेकिन कितनी ज़्यादा स्मूथ हो गई है लाइफ लाइन। यानी कोई भी उसमें कट नहीं है, कोई भी ऐसी रेखा काट नहीं रही, एकदम स्मूथ एंड फ्रीली चल रहा है। उसके बाद ये रेखा चंद्र पर गया है, फिर शुक्र की तरफ भी आया हुआ है, जिसके कारण विदेश जाने का योग अच्छा बनेगा या जन्म स्थान से दूर जाने का योग इस कारण से अच्छा बनते देखने को मिल रहा है। वहीं एक रेखा आपके शुक्र पर्वत के नीचे भी आई है, जो फैमिली से अच्छे कनेक्शन, अटैचमेंट और बॉन्डिंग को भी बताता है। बाकी आपका केतु के द्वारा एक प्रकार से फिश सिंबल यहाँ पर बना हुआ है, जो आपको जीवन में स्ट्रेंथ बहुत अच्छा लेगा, देने वाला रहेगा। किसी भी चीज़ से लड़ने की काबिलियत, किसी भी दर्द को झेलने की एक प्रकार से ताकत आपको ये मछली का चिन्ह यहाँ दे रहा है। साथ ही साथ ये यहाँ पर इंडिकेट ये भी करता है कि अगर आप धार्मिक रहेंगे तो लाइफ में सडन गेन, वेल्थ, प्रोग्रेस आपको मिलने वाला रहेगा। और जहाँ तक आपकी सोच की बात की जाए तो आपका तो सोच ही सोशल वर्क करने का है, यानी पुण्य करने का है। यही रीज़न है कि भाग्य रेखा यहाँ कंटिन्यूस चल रही है और ये सीधे शनि के क्षेत्र तक पहुँची है। जब इस प्रकार के योग बनते हैं और शनि का क्षेत्र भी डेवलप अच्छा होता है, तो आप जैसे लोग 101% एनजीओस का वर्क करते हैं, समाज सेवा का कार्य करते हैं। और यही कारण है कि जो नाम है वो दूर दूर तक फैलता है, इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान या दुआ लोगों से बहुत मिलता हुआ देखने को मिलता है। तो ये एक प्रकार से बहुत यहाँ पर पॉजिटिव साइन है। तो आने वाला चंद 1-2 साल के अंदर आपका सारी चीज़ें अच्छे से जो है यहाँ पर तकरीबन परिवर्तित हो जाने वाली रहेगी। और जहाँ तक रही प्रॉपर्टी डेवलपमेंट की बात या कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी भी चीज़ से रिलेटेड एक प्रकार से प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मेशन आपका बन रहा है। और ये स्क्वायर का फॉर्मेशन यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 46 से 52 के बीच में बहुत प्रोमिनेंट बन रहा है। वही हम आपके लेफ्ट पाम पे भी आते हैं, हालांकि लेफ्ट पाम का यहाँ पर ज़्यादा किरदार नहीं रहता है, लेकिन फेट लाइन और जो बिग इंडिकेशन है उन सबको देखने के लिए फेट लाइन देखा जाता है। तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि फेट लाइन में इस प्रकार की आपकी भाग्य रेखा निकली हुई है और यहाँ स्क्वायर का साइन ये बना हुआ है। इसके भी अलावा यहाँ पर आप देखें लाइफ लाइन के ऊपर भी, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक आखिरी जो कट है ये जा रहा है, और उसके बाद से देखिए लाइफ लाइन कितना सुधर गया है यहाँ पे। और फिर बाहर की ओर भी रेखाएं जा रही हैं, ट्रेंगल का फॉर्मेशन बन रहा है, जो कि अगेन प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। और प्रोग्रेस लाइन भी निकल रहा है यहाँ पर, 54, 55, 59, 62, 66, 67 निरंतर प्रोग्रेस फिर इसके बाद होते चले जा रहा है।
और यहाँ पर भी आपकी जो भाग्य रेखा है वो अंत में जाके वी सिंबल बनाई है। जब भी किसी रेखा के अंत में वी सिंबल बनता है उस रेखा का प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है, और यह शनि की रेखा है, इसके कारण आप न्याय अपने जीवन में ज़्यादा करेंगे, किसी का हराम का एक रुपये भी नहीं रखेंगे, बहुत कुछ दान पुण्य अपने जीवन में करना ज़्यादा आप प्रेफर करेंगे। तो ये सारे योग इसी कारण से बन रहे हैं जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छे योगास को डेवलप कर रहा है। तो यहाँ पर जो कर्जा आपके ख़त्म होने के भी योग है वो हार्डली 48-49 के एज तक आते आते तक होने के चांसेस, ख़त्म हो जाने के चांसेस पूरे हैं। इसके बाद यहाँ पर आते हैं अब आपके ओवरऑल पाम के प्रेडिक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ में, तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में लॉन्ग है जो बहुत अच्छे एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, यानी आप हर काम को बहुत ज़्यादा सोच विचार के करना पसंद करेंगे, पेशेंस लेवल यानी धैर्य आपके अंदर अच्छा देखने को मिलेगा, रिजल्ट की चाहत ज़्यादा नहीं होती लेकिन रिजल्ट तक कैसे पहुंचना है, अपने गोल या ड्रीम डिज़ायर तक कैसे पहुंचना है, इसकी बहुत अच्छी जांच पड़ताल और बारीक परख आप करके रखेंगे। अपने अंडर में दूसरों से अच्छा काम निकलवा सकते हैं और दूसरों के अंडर में खुद भी रह करके अच्छे से काम कर सकते हैं। यहाँ पर देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ा सा शॉर्ट है, वैसे देखा जाए तो आपका जो बुध का यह अमाउंट है वो भी नीचे की ओर दबा हुआ है, लेकिन तब भी कम्युनिकेशन स्किल कुल मिलाकर के देखा जाए तो नॉर्मल यहाँ पर आपका रहने वाला रहेगा। और फर्स्ट और थर्ड फिंगर की लेंथ की बात की जाए तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा है जो गुड लीडरशिप और टीचिंग क्वालिटीज़ को इंडिकेट करता है। इसके कारण किसी समूह का अच्छा नेतृत्व करना, अपना बात किसी को बहुत अच्छे से समझा पाना, बहुत अच्छे से किसी को समझ पाना, ज्ञान हमेशा अर्जित करते रहना, ये सारे कॉम्बिनेशन आपके अंदर रहेंगे। आत्मसम्मान की भावना भी आपके अंदर ज़्यादा रहने वाली है, हालांकि परिवार को थोड़ा सा कम कहीं ना कहीं आप टाइम देते हैं, यहाँ पर थोड़ा ये इंडिकेट भी हो रहा है। बाकी देखा जाए फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है जो यहाँ पर आपके फ्रेंडली नेचर और मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में आप ढल जाने के भी सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ आपके संबंध मधुर रहने वाले हैं। फैलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, अंदरूनी मंगल भी डेवलप अच्छा है, तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा, फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, स्टेमिना, एनर्जी ये अच्छी रहने वाली है। और जहाँ तक बात करें थंब की, तो थंब यहाँ पर आपका शॉर्ट है लेकिन सशक्त है, किसी के भी सामने ज़्यादा झुकना आपको पसंद नहीं रहेगा, जो भी अपने जीवन में ठानेंगे उसको एट द एंड करके ही मानेंगे, जब तक उसको करेंगे नहीं तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। लेकिन थंब यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट है तो बहुत सारी बातों को कहीं ना कहीं आप जल्दी भूल भी जाते हैं, और कौन सी बातों को भूलते, जैसे किसी से व्यवहारिक मतभेद हुआ या उतार चढ़ाव किसी से हुआ या पेशों से रिलेटेड मैनेजमेंट, इसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं भूल चुक आपसे देखने को मिल रही है। बाकी ओवरऑल देखें तो यहाँ पर यव का चिन्ह भी डेवलप है जो धार्मिक रहने की योगों को व्यक्त करता है, और साथ ही साथ आपके अंदर गुड इंट्यूशन पावर और सिक्स्थ सेंस भी देखने को मिलेगा। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो ये जो धार्मिक क्रियाकलाप है इसमें भी बहुत अच्छा आपको नए नए एक्सपीरियंसेस देखने को मिलेगा और सिक्स्थ सेंस भी इम्प्रूव अच्छा आपको होगा। फर्स्ट फैलेंज के कंपेरिजन में सेकेंड फैलेंज की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है, तो विल पावर के कंपेरिजन में लॉजिकल पर्सनैलिटी यहाँ पर आपकी अच्छी देखने को मिल रही है, यानी हर कार्य में लॉजिक लगाकर अपना कोई भी कार्य संपन्न करना, वैसे योग बन रहे हैं। और पाम का साइज प्योर स्क्वेरिश है जो हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है, अपने खुद के मेहनत, खुद के दम और खुद की काबिलियत पे आपने अपना जीवन जिया है, ज़्यादा सहयोग या ज़्यादा भाग्य का अगर किरदार देखा जाए तो इतना नहीं है जितना आपने खुद ने अपने हाथों से लिखा, यानी खुद के मेहनत से आपने हर चीज़ अपने जीवन में पाई है और पाएंगे भी। यहाँ पर इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा ऊर्जा अच्छी रहती है, प्लानिंग अच्छा करते हैं और उस प्लानिंग को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट भी कर पाते हैं, यानी एक्शन भी लेते हैं, तो डरने वाली ऐसी कोई भी बात नहीं है। लोन को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, कोचिंग को लेकर के या एनजीओस को लेकर के कोई भी शंका वाली बात है ही नहीं। अपने आप को मिनिमम 2 साल और दीजिए, नतीजा खुद आपके सामने आने वाला रहेगा। बस ऐसे दृढ़ निश्चय बना करके रखें, आपका जो सोच है बहुत यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आपको आपकी लाइफ में मिलेगा, और अंत तक यानी लाइफ के एंड तक, और अति यानी जिसकी कोई हद ना हो उतना आपको लाभ मिलने वाला रहेगा या उतने आपके ड्रीम या डिज़ायर पूरे होंगे, क्योंकि आपका सपना ऐसा है कि जिसमें लोग खुद आकर के जुड़ेंगे, तो ये बहुत पॉजिटिव यहाँ साइन है। तो अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र की बात करें, बहुत अच्छा उभरा हुआ है, कोई तकलीफ परेशानी यहाँ नहीं है, प्रोग्रेस लाइन एक लाइन सिंपली 2 लाइन यहाँ पहुँची हुई है जो एम्बिशियस नेचर यानी महत्वाकांक्षीपन को बताती है, जिसके कारण जुनून हौसला जीवन में हमेशा
बना रहता है, कुछ ना कुछ पाने की चाहत हमेशा जीवन में लगी ही रहती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या रॉयल्टी की बात की जाए तो वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ते रहता है। गुरु वल्लय का भी यहाँ पे चिन्ह बना हुआ है जो धर्म कर्म के प्रति रुझान ध्यान को व्यक्त करता है। बात करें शनि की, शनि का क्षेत्र डेवलप अच्छा है, मेहनत आप अच्छी कर पाएंगे। और यहाँ पर भी आपके देखा जाए तो जो भाग्य रेखा है वो यहाँ पर आकर के वी में कन्वर्ट हुई है, यानी भाग्य आगे चल करके अच्छा मजबूत आपका होने वाला रहेगा और हर प्रकार का जो इच्छा मनोकामना है वो सब पूरा होगा, क्योंकि शनि का क्षेत्र यहाँ पर आपके सेटिस्फेक्शन को इंडिकेट करता है, संतुष्टि को बताता है। तो जब यहाँ पर भाग्य रेखा पहुँच ही जाए तो भी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में फुली जो है सेटिस्फाइड देखने को मिलता है। और आपका तो यहाँ भाग्य रेखा वी सिंबल बनाया हुआ है, तो इस कारण से गुरु की तरफ भी इसका झुकाव है। और गुरु व्यक्ति को प्रसिद्धि या एक प्रकार से मान सम्मान पद दिलवाने वाला होता है, तो उच्च पद प्राप्ति योग भी आपके जीवन में जो है बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और भी मल्टीपल्स लाइन है और यहाँ पर मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को जो ये इंडिकेट कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर देखेंगे आपके सूर्य के क्षेत्र पर, तो आपके माइंड लाइन के ऊपर से ही सूर्य रेखा निकली हुई है और आगे चल करके ये बहुत अच्छी स्ट्रांग हो गई है। तो अब आने वाले टाइम में नेम फेम के चांसेस भी यहाँ पर ब्राइट है, एक और सूर्य रेखा इस प्रकार से निकल के जुड़ी है। तो फिलहाल ये है कि कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा क्षेत्रों में आपका ध्यान है, लेकिन आगे चल करके ये रेखा जैसे एक होकर के मर्ज हो गई है, तो लाइफ में आगे चल करके फुली फोकस्ड हो जाएंगे और फिर नेम फेम सब अच्छे से मिलेगा। अभी थोड़ा सा ध्यान आपका कहीं ना कहीं भटका हुआ ज़्यादा है, क्योंकि मल्टीपल्स लाइन थोड़ा मन को ज़्यादा भटका रही है। बाकी सूर्य का क्षेत्र डेवलप ठीक है, तो इस कारण से आत्मविश्वास अच्छा देखने को मिलेगा। मर्करी माउंट आपका अच्छा डेवलप है, जिसके कारण बोलचाल की कला अच्छी रहती है। एक से अत्यधिक रेखाओं के कारण ये यहाँ पर मधुरभाषी किस्म के पर्सनैलिटी को बताता है कि आप अपने बातों से दूसरों को अच्छा प्रभावित कर सकते हैं, दूसरों को अपने बातों से राजी करवा सकते हैं, यानी कन्विंसिंग स्किल अच्छा देखने को मिल रहा है। दूसरों को बांधे रखने की क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी है, तो इस कारण से व्यापार के द्वारा लाभ मिलने के योग अच्छे बनते हैं। और यहाँ पर आपकी मर्करी लाइन भी डेवलप्ड है, और भी मर्करी लाइन यहाँ पर निकल रही है, तो आगे चल करके मल्टीपल बिजनेस होने के योग भी अच्छे दिख रहे हैं। हालांकि हेल्थ में आपके सुधार अच्छा होगा इस रेखा के कारण। और बात करें हृदय रेखा की, तो हृदय रेखा में गोपुच की आकृति यानी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को हंसमुख हास्य से कभी पर्सनैलिटी को बताता है। और यहाँ देखा जाए हृदय रेखा, तो हृदय रेखा यहाँ पर शनि पर मेनली रुकी हुई है, तो मनी हुआ या सेल्फ को लेकर के लाइफ में आपका फोकस ज़्यादा रहेगा। फिर इसका जो सहयोगी रेखा है यहाँ पर इस प्रकार से गुरु से कनेक्टेड हुई है, जिसके कारण धार्मिक रहने के साथ साथ इमोशनल नेचर में भी थोड़ा बढ़ोतरी यहाँ पर आपका होते हुए मिल रहा है। एक शाखा निकल के इस प्रकार से मंगल पर भी गई है, तो थोड़ा स्टार्टिंग लाइफ में आपका एग्रेसिव नेचर ज़्यादा था, अभी फिलहाल इन चीज़ों पर कंट्रोल आपका ठीक है। और हृदय रेखा के अंत में कुछ रेखाएं भी यहाँ पर आ रही हैं, ये इमोशनल सेटबैक की रेखा होती है। दूसरों से एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा कम रखेंगे ठीक रहेगा, पैसा उधार देंगे तो मिलना थोड़ा सा मुश्किल भी रहेगा। इसके अलावा यहाँ माइंड लाइन पर आते हैं, तो माइंड लाइन का फ्लो यहाँ पर आपका कंटिन्यू निकल रहा है, लॉन्ग माइंड लाइन है, तो इस कारण से नॉलेज आपके पास अच्छा रहेगा, कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ सकते हैं, लॉजिक लगा के काम करेंगे, फ़ायदा अच्छा मिलेगा। एनालिसिस की कैपेसिटी के साथ साथ एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में बहुत आपको गेन होने वाले भी रहेंगे, और पुराने से पुरानी बातों को याद भी रख पाएंगे, क्योंकि मेमोरी आपकी शार्प रहेगी। तो माइंड लाइन आपकी एकदम फोकस्ड है, स्ट्रांग है, तो जो भी ड्रीम या डिज़ायर आपकी रहेगी उसको फुलफिल आप अपने लाइफ में 100% करने वाले रहेंगे। तो मेंटली स्ट्रांग होने के कारण जैसे कभी भी टफ सिचुएशन लाइफ में आती है तो उसका डट करके आप सामना करेंगे, और बुद्धिमत्ता के द्वारा ही लाभ आपको अच्छा मिलने वाला रहेगा। बाकी बात करें तो आपका उम्र की, जहाँ तक बात करें तो यहाँ पर एज जो है अप्रोक्सीमेटली जब शुक्र के क्षेत्र के अंदर तक आ जाती है तो 85 यहाँ एज जो है प्रॉपरली आपका इंडिकेट हो रहा है। और देखें मंगल के क्षेत्र को, तो मंगल का क्षेत्र अंदरूनी बाहरी दोनों विकसित है, तो शारीरिक गठन ठीक रहेगा, मानसिक बल अच्छा रहने वाला है, जुनून हौसला पराक्रम ये अच्छा देखने को मिल रहा है। शुक्र का क्षेत्र भी डेवलप्ड यहाँ पर अच्छा है, तो हर प्रकार की लग्जरीज व सुख सुविधा का आनंद उठा पाएंगे, एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार हर प्रकार की दिखावटी चीज़ें या रॉयल्टी आपके लाइफ में रहेगी, तो शुक्र से कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं है। और चंद्र की बात करें तो चंद्र पर आड़ी रेखा मन को विचलित ज़्यादा करती है या बेचैनी को व्यक्त करती है, बाकी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी है, तो जीवन में आगे धन अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी और बचेगा भी, उसका सदुपयोग भी होगा। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो।
कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछे, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।